कर्नाटका उपचुनाव के चलते बेलगाम जिले में चल रहे 3 सीटों की गिनती हो रही है और बीजेपी के सारे एमएलए गोका के रमेश जारकीवाली, कागवाड़ के श्रीमंत पाटिल और अथनी के रमेश कुंटली भारी मतों से आगे चल रहे हैं। अब लगभग इनकी जीत पक्की मानी जा रही है। इन नतीजों से कार्यकर्ताओं के दिलों में खुशी की लहर फैल गई है। अब माना जा रहा है कि येडियुरप्पा आने वाले 3 सालों के लिए बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमारे विशेष संवाददाता खुर्शीद आलम बेलगाम के आरटीबी कॉलेज कैंपस से इसकी जानकारी दे रहे हैं। रमेश जारकीहोली पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए हैं और उनके समर्थन खुशी का माहौल यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जारकीहोली ये मरतबा 5वीं बार इलेक्शन बैठे, 4 मरतबा तो छठी बार है, 5 मरतबा कांग्रेस से आए लेकिन उनसे कुछ उनको कांग्रेस से कुछ फायदा नहीं मिला। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो बैठे जहाँ भी वो जो भी पक्ष बढ़ते हम पार्टी वगैरह नहीं है, रमेश चंद्र जारकर उनका मुंह देखकर उनकी कार्यकर्ता देखकर उनको हम अभिनंदन कर जीत के लिए रमेश चंद्र जारकर गए, रमेश चंद्र जारकर गए, रमेश चंद्र जारकर गए, रमेश चंद्र जारकर गए। आपने देखा कि उत्तर मध्य क्षेत्र से जो भी उनके चाहने वाले आए हुए हैं, एक खुशी का माहौल है, तो वो कहते हैं वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो लेकिन वो जो है अभ्यर्थी को देखते हैं। जर्जर और ओके ओके सर। हाँ रमेश पानदम सुनका है, हमने रोड कर दे, बाद में पानी का व्यवस्था कर दे, बाद में शाला कलर कर दे, हमने मुसलमाना को कब्रस्तान कर दिया है सरकार ने, हमने क्या गरीबों को क्या है सब मदद कर रहे हैं सरकार, और हमने अच्छा है तो आप पार्टी नहीं अभ्यर्थी को देखे हैं। आप पार्टी को नहीं देखते अभ्यर्थी को देखते हैं? अभ्यर्थी देखते हैं, मैं पार्टी का नहीं, मैं रमेश सरकार हमारा अच्छा है, अच्छा आदमी है, उनको हमें चुन को देख आते हैं। अब तक रमेश शर्मा को ये हम वोट देते आए, अभी इस बार भी रमेश शर्मा को ही दे रहे हैं और रमेश शर्मा ने सब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे गांव गोकाक में। इस बार उप मुख्यमंत्री का चांस है उनको, इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर इस बार ये फैसला लिए हैं कि रमेश शर्मा जारकीहोली हमारे गांव का उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए पूरे लोग रमेश शर्मा को साथ दिए हैं, इस बार भी दिए हैं, इंशाल्लाह इस बार रमेश शर्मा उप मुख्यमंत्री। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಕಾರ ತಾಲೂಕದ ಬಂಧು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಜೈವೇರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು। ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾಟೀಲ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। श्रीमंत पाटील कागवाड़ मतक्षेत्र से
18,500 से जीत गए हैं। अभी हमें गवर्नमेंट जो बनने वाला है उसमें उनको सचिवालय मिलने वाला है, इससे हमारे सबको बहुत खुशी हो गई है। अभी आपका नाम सुशांत पाटिल, मैं श्रीमंत पाटिल जी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 18,500 मतों से जीत चुके हैं। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती है, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है, इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था, ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।